मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जो कि रायपुर से है, जहां पर हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि वे काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि हड़ताल अवधि को अनुपस्थित मानते हुए उनकी शिक्षा की अवधि में 6 माह की वृद्धि की जाएगी। प्रशासन ने यहां पर हड़ताल साजी डॉक्टरों को 24 घंटे के छात्रावास के अंदर खाली कराने की भी बात कही है। ऐसा नहीं करने पर उनसे जबरन होटल खाली कराया जाएगा और हॉस्टल खाली कराए जाने का भी दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल के बाद से लगातार प्रशासनिक और जो अमला था वो परेशान था, मरीज भी परेशान थे, बार बार आकर लौट रहे थे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, आखिरकार इन डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है और उसके बाद भी कई इन्हें चेतावनी भी दी गई है, जैसे हॉस्टल आपको खाली करना पड़ेगा, अवधि बढ़ाई जा सकती है। इन तमाम सारी चेतावनी के बाद भी क्या यहां पर अब तक क्या कुछ रिएक्शन आया डॉक्टरों की तरफ से? जी दीपक जी, आपको बता दें कि ये नोटिस जो नियमता हड़ताल के पहले दिन जारी होना था, आज भी 6वें दिन में जारी हुआ है, इसलिए नोटिस से सवाल उठाए जा रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर आप तत्काल हड़ताल बंद करके अपने काम वापसी नहीं करते हैं, उसमें आपका जो वो अनुपस्थित दिवस है इसके वजह पर आपका सेमेस्टर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा, अगर आप समय पे अगर उपस्थित नहीं होते हो तो आपका हॉस्टल खाली करवाने की कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में जब हम मेडिकल एसोसिएशन से जब बात किए, जूनियर डॉक्टरों से बात किए, तो उनका कहना था कि चाहे प्रशासन जो भी कार्रवाई कर ले, हम धरना करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। और आपको बता दें दीपक, इस धरने की वजह से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। अब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल नेता आरा की बात करें तो वहाँ ओपीडी दिन में 5000 से 6000 होती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि वहाँ 1000 हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर हो नहीं रहे हैं, इलाज मुहैया मिल नहीं रहा है, कई बड़े ऑपरेशन रुके हुए हैं। बिल्कुल सत्या, अगर जिस तरीके से देखा जाए, अभी कुछ ही दिनों पहले बंगाल में जो हुआ था बवाल, उसके बाद भी चले गए थे जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, उसके बाद ये क्या मजाक बना रखा है डॉक्टरों ने कि जब देखो अब स्टाइपेंड को लेकर भी इस तरह से हड़ताल पर जा रहे, मरीजों का ख्याल ही नहीं डॉक्टरों को। जी, तो इसमें इस तरह है कि इसमें हड़ताल को डायरेक्ट रूप से हड़ताल को जायज बता रहे हैं, वहीं डॉक्टरों की वापसी कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने भी हड़ताल को जायज बताया है, प्रशासन समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, उसके बाद सत्य जैसे कि कहा था टीएस सिंहदेव जी ने कि वो काफी दिनों से मांग कर रहे हैं स्टाइपेंड की, उनकी हड़ताल वाजिब है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, क्या अभी भी उनका वही स्टेटमेंट है? जी, अभी तो उनसे चर्चा हुई है, उसके बाद हालांकि उनका चर्चा डॉक्टरों से नहीं हुई है, लेकिन उनका कहना है कि जब हमने बातचीत किया था तो उस दौरान उन्हें हमारे हड़ताल को जायज बताया था और मांग पूरी करने की बात कही थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जब तक हमारी लिखित में ना दिया जाए, हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जी, चलिए इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा सत्य, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।